आइए एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है लखीमपुर हिंसा का मामला। बड़ी खबर आपको बता रही है, कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की इसमें मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया है पत्र, समयबद्ध जांच का आदेश दे कोर्ट। ये याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका लगाते हुए कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आप देखिए, इस मामले की जो आग थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है लखीमपुर हिंसा का पूरा मामला और अब कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर की गई है। आपको बता दें, लगातार मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग हो, क्योंकि इस पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता के साथ लिया गया। खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता के साथ लिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान के कैमरे पर सबसे विस्फोटक खुलासा हुआ है। लखीमपुर कांड को लेकर चश्मदीद की बड़ी गवाही, मंत्री के बेटे को मारने की साजिश थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुमित जायसवाल ये वो शख्स जिन्होंने बड़ी गवाही दी। और उसके साथ ही देखिए, आशीष मिश्रा घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं, चश्मदीद ने ये बड़ी बात कही। भागने वाला शख्स बीजेपी नेता सुमित जायसवाल है और सुमित जायसवाल ने यह बात खुद कही है, क्योंकि वही चश्मदीद थे। लखीमपुर के खूनी खेल के किरदार कौन हैं? कैमरे पर लखीमपुर हिंसा का सबसे बड़ा चश्मदीद, ऑपरेशन लखीमपुर में गिद्द गैंग के गुनहगार बेनकाब, गिद्द गैंग की ललकार, यूपी में हिंसक बयार। जी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन लखीमपुर के जरिए न सिर्फ गिद्द गैंग के गुनहगारों को बेनकाब किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के सच को दफन होने से भी बचा लिया। लखीमपुर के तुकुनिया गांव में रविवार को हुई हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों ने कार से कुचलकर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन अजय मिश्र और उनके बेटे आशीष इन आरोपों को शुरू से खारिज करते रहे। केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो गया। बावजूद इसके विपक्ष पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने में जुटा रहा, लेकिन जी हिंदुस्तान के कैमरे पर लखीमपुर के सबसे बड़े चश्मदीद और बीजेपी नेता सुमित जायसवाल ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। खुलासा हुआ है कि गाड़ी से भागने वाला शख्स आशीष मिश्र नहीं बल्कि खुद सुमित जायसवाल है। सुमित जायसवाल ने बताया कि कैसे गिद्ध गैंग की मंत्री के बेटे को मारने की साजिश थी, लेकिन गनीमत रही कि आशीष मिश्र वहां पर मौजूद नहीं थे। जैसे ही उपद्रवियों ने गाड़ी पर हमला किया, किसी तरह सुमित वहां से जान बचाकर भाग निकला। ये लोग वहां पे गाड़ी पे सीधे हमलावर थे कि गाड़ी में जो भी लोग हैं इनको निकाल के मारने की तैयारी इनकी पूरी साजिश थी। और हम जैसे ही वो गाड़ी आखिरी में ये लोग रुक पाए, उधर किनारे जाके गाड़ी रुकी है, तो मैं किसी प्रकार से मैंने वहां गेट खोल के मैं भागते हुए अपनी वहां से मैं जान बचा पाया हूँ। ये अगर मुझे ये लोग पकड़ लेते तो मुझे भी वहां जान से मार देते। लखीमपुर हिंसा के सबसे बड़े चश्मदीद सुमित जायसवाल ने बताया कि गाड़ी में घटना के वक्त सिर्फ चार लोग मौजूद थे, ड्राइवर हरिओम, सुमित जायसवाल और उसका दोस्त शुभम मिश्रा और दो अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता। उस समय गाड़ी में एक व्यक्ति मौजूद थे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हरिओम, दूसरा जो एक मेरा मित्र था शुभम मिश्रा वो, और बाकी वहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, उसको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन वो उस गाड़ी में और मौजूद थे, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ नाम से। सुमित जायसवाल ने यह भी खुलासा किया है कि प्रदर्शनकारियों के पास धारदार हथियार थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो लोग बहुत तरीके के वहाँ नारे लगा रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके के नारे सुनाई दे रहे थे, पकड़ो मारो, ये आवाजें आ रही थी, अभद्र गालियां दे रहे थे। वो सीधे उस गाड़ी को रोककर उसके अंदर जो लोग बैठे थे उनको वो मारना चाहते थे सीधे। सुना आपने, लखीमपुर कांड के सबसे बड़े चश्मदीद की गवाही सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। लखीमपुर के खूनी खेल के एक एक किरदारों ने कैसे मंत्री के बेटे पर आरोप लगाकर पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आने के बाद दावा किया जा रहा था
कि मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र इस गाड़ी को चला रहे थे और अपनी इस गाड़ी से सड़क पर जा रहे किसानों को रौंदते हुए चले गए, जिससे लोगों की जान चली गई और उसके बाद से ये सारा बवाल खड़ा हुआ। वहीं लखीमपुर हिंसा का खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है और अब जी मीडिया के खुलासे से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तमाम खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर हिंसा को लेकर 6 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर लिया गया। एडिशनल एसपी अरुण कुमार की अध्यक्षता में टीम को बनाया गया है। बड़ी खबर। तो डिप्टी एसपी समेत 3 इंस्पेक्टर टेक्निकल एक्सपर्ट भी इसमें शामिल है। पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होगी, आईजी की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे समेत 20 लोग आरोपी हैं और अब एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में किया गया है। किन किन लोगों को इस एसआईटी में शामिल किया गया है वो आपको बता रहे थे और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।